नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के 543 लोकसभा सीटों की एक एक सीट यानी एक एक राज्य की एक एक सीट का विश्लेषण करके आपको ओपिनियन पोल बताया जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देख के जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2024 के लिहाज से आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर राहुल गांधी या कोई अन्य पार्टी। यहां पर संपूर्ण भारत के 543 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। तो दोस्तों, एक एक सीट का एक एक ओपिनियन पोल बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको एक एक राज्य का संपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एनडीए खाते में एक सीट, तो यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए का मतलब बीजेपी और अन्य पार्टियां मिलकर एनडीए बनती है, तो वहीं यूपीए का मतलब कांग्रेस और अदर पार्टियां मिलकर यहाँ पर यूपीए बनता है। तो अन्य पार्टी यानी तीसरे मोर्चे की बात अलग है और यहाँ पर बाकी सभी यानी दोनों ही गठबंधनों से गठबंधन नहीं किया है वो अदर पार्टियों में आती है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही सीट एनडीए खाते में, यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है, यानी कि यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। तो यहाँ पर एनडीए अकेले ही यहाँ पर एक सीट पर अपने हाथ में लाती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात करें लोकसभा के 543 सीटों में से तीन लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 3 सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दादरा नगर हवेली की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उपचुनाव में यहाँ पर शिवसेना जीती थी और यूपीए खाते में 0 अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए खाते में ना जाकर यूपीए के खाते में जा सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो एनडीए को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 4, तो यूपीए खाते में 2 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम की, एक लोकसभा सीट है और एक ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। यूपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में जा सकती है। एनडीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार आइसलैंड की। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी को मिल रही है एक लोकसभा सीट, तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट पर का बीज हो सकती है एनडीए। तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 0 अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा के 543 सीटों में से 9 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, तो यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए यानी कि कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर एक एक सीट ही मिल पा रही है। तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर में एक लोकसभा सीट तो एनडीए गठबंधन को और यूपीए गठबंधन को यहाँ पर एक लोकसभा सीट। वहीं बात कर लेते हैं गोवा की, 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट, तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 15 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 9, तो यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 6 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेघालय की, 2 लोकसभा सीटों के यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट, यानी कि एनडीए और यूपीए को यहाँ पर एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट।
अरुणाचल प्रदेश की दो लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस अन्य पार्टियों को यहाँ पर दो की दो सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यूपी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की। चार लोकसभा सीट है और यहाँ पर चार में से एनडीए खाते में तीन लोकसभा सीटें जा सकती है, तो यूपीए को यहाँ पर एक और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक लोकसभा सीट यूपीए को तो तीन लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी कि बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को एक सीट, तो बीजेपी प्लस को यहाँ पर तीन सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 23 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं यूपीए को 8, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड की, जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है और यहाँ पर 5 में से 4 पर एनडीए गठबंधन, तो एक सीट पर यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जम्मू एंड लद्दाख की 6 लोकसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, तो यहीं यूपीए को यहाँ पर 2 सीट और अदर पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती है। दिल्ली की, जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और यहाँ पर 7 में से एनडीए गठबंधन को सभी 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, तो बीजेपी प्लस को यहां पर 7 के 7 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है, तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 28, तो यूपीए गठबंधन को यहां पर 11 और अदर पार्टियों को यहां पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है और यहां पर 10 में से 6 सीटों पर एनडीए यूपीए खाते में, 4 अदर पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहां पर 4 सीटें ही मिल पा रही है, अदर पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर 11 में से एनडीए गठबंधन खाते में 9, तो यूपीए गठबंधन खाते में 2, अदर पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 75 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 45 लोकसभा सीटों पर एनडीए है, तो यूपीए को यहाँ पर 22 और अदर पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 13 लोकसभा सीटें, तो वहीं यूपीए को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट अपने खाते में ला सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर यूपीए काफी ज्यादा नुकसान में दिखाई दे रहा है असम में, और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12, तो यूपीए को यहाँ पर 1 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5, तो यूपीए को यहाँ पर 5 सीटें, एआईएमआईएम और के चंद्र शेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें, यानी कि एआईएमएम और चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। यूपीए को यहाँ पर 5 सीटें, तो एनडीए गठबंधन खाते में 5 सीटें, तो यानी कि यूपीए और एनडीए को यहाँ पर बराबर सीटों पर तुला जा रहा है, तो वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 120 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 75, तो यूपीए को यहाँ पर 29 सीटें, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 16 सीटें मिल सकती है। केरला की 20 लोकसभा सीट है एनडीए गठबंधन खाते में 1, तो यूपीए को यहाँ पर 10, यानी कि जबरदस्त लीड के साथ यूपीए यहाँ पर 10, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 9, तो यूपीए को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी को यहाँ पर 7 लोकसभा सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 10 और अदर पार्टी को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा के 543 सीटों में से 186 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 95, तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 54 सीट, यानी 54 सीट और 37 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है।
राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 24, तो यूपी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 में से यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो वहीं यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 267 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 170, तो यूपीए के खाते में 58 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 38 लोकसभा सीट मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 20, तो यूपीए को यहाँ पर 8 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 18, तो यूपीए का गठबंधन खाते में 20 और अदर पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें, तो यूपीए खाते में 10 और अदर पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीए को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी आरजेडी और बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं, तो एनडीए गठबंधन खाते में कुल मिलाकर 30 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 373 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 238 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपीए को यहाँ पर 86, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 49 लोकसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन बिल्कुल जीत के बहुत करीब है, तो यूपीए को यहाँ पर 86 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 49 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बराबर की बराबर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 20 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहाँ पर 1, अदर पार्टी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 70 लोकसभा सीटें, तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 0, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आरएलडी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटें मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 70, तो यूपीए को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को 10 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से बहुमत प्राप्त कर सकती है बीजेपी गठबंधन। और लोकसभा की 543 यानी सभी 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 369 यानी जबरदस्त लीड के साथ एनडीए गठबंधन पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए को यहाँ पर 87, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 87 सीटें यानी कि बराबर बराबर सीटों के साथ यूपीए यहाँ पर 87 सीटों पर, तो अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 87 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरी बार भी मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का, और यहाँ पर फिर से जीत सकती है नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और एनडीए गठबंधन जबरदस्त लीड के साथ 369 सीटों पर अपनी पारी खेल सकती है। तो वहीं यूपीए को यहाँ पर 87 और अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 87 सीटें यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान में दिखाई दे रही हैं यूपीए और अदर पार्टियाँ, और बीजेपी अकेले यहाँ पर 369 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है।